नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमित भारद्वाज। फिर से इस नए ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि वाइट फेनाइल का जो कंसंट्रेट होता है यानी जेल होता है, उस जेल को वाइट फेनाइल के रूप में कैसे बदला जाएगा। मैं ये आपको आज जानकारी देने वाला हूँ। मेरे पास काफ़ी इसके पहले मैं वीडियो जो शूट किया था, मैंने बताया भी था कि जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा मैं आपको उसमें ये जानकारी दूंगा कि वाइट फेनाइल कैसे बनाया जाता है, और आप भी आप अपने गांव में शहर में कैसे बनाकर आप इसका उद्योग बैठा सकते हैं। तो मैं फुली प्रैक्टिकली के साथ आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक तो हम लोग जार ले रहे हैं, और इस जार में हम क्या करेंगे कि पानी डालेंगे। ये पानी रहा, आप देख सकते हैं ये पानी है। ये पानी है, वाटर है, कोई केमिकल नहीं है। ये पानी को हम क्या करेंगे, इस जार में रखेंगे। मैं अंत में आपको ये बता दूंगा कितना पानी रहेगा, कितना जेल रहेगा, आपको अंत में ये बताया जाएगा। ये रहा आपका एक जार में हम क्या लेंगे, लिए हैं पानी, लिए हैं वाटर, ये H2O है। इसमें हम क्या करेंगे कि फेनाइल का कंसंट्रेट होता है, उसको आम भाषा में हम जेल भी कहते हैं। हम देखिए आपके सामने ये जेल है, जेल लिए हैं, जेल मैं खुद बनाया हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जेल को कैसे बनाया जाता है। पहले जेल से हम लोग सीखेंगे कि फेनाइल कैसे बनता है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं शूट करूँगा आपको ये बताऊँगा जेल को कैसे बनाया जाता है। ये जेल है, और इस जेल को हम क्या करेंगे कि 1 लीटर जेल में 100 ml, यानी कि यहाँ पानी कम है लेकिन आपको हम बताऊँगा। ये पानी हो गया, इस जेल को हम लेंगे और जेल में से थोड़ा सा पानी में इसको डालेंगे। ये रहा फेनाइल का जेल रहा, ये देखिए फेनाइल का जेल है, और ये कंसंट्रेट है, फेनाइल कंसंट्रेट इसको कहा जाता है, और ये आपका वाटर है, इसमें इसको हम मिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक वाइट हो गया है, और को अच्छी तरह से इसको घुलाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये फेनाइल बनकर आपका रेडी हो गया है, और इस काफ़ी अच्छा सुगंध है इसका, लेमन फ्लेवर में है, काफ़ी अच्छा सुगंध इसका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फेनाइल बनकर रेडी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि बोतल लेंगे, ये बोतल को यहाँ पे इसमें वाटर है, इसी में डाल देते हैं। ये कोई केमिकल नहीं है, फिर से आपको मैं बता दूँ, ये पानी है। आप क्या कीजिएगा, इस पानी को हटा करके, चलिए इस पानी को मैं हटा ही देता हूँ। और ये देखिए आपका ये बहुत अच्छा खुशबू दे रहा है, और बहुत बेहतर तरीका से बना हुआ है, जो मार्केट में ब्रांड से ब्रांड कंपनियों को तोड़ दे सकता है। और ये आपका ये बोतल हो गया, बोतल में इसमें क्या करेंगे, मूव करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये फेनाइल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें आप इनर कैप लगा दीजिए, इनर कैप लगा देंगे, इसके कैप लगा के इस पर आसानी से अपने नाम के ब्रांडिंग आप लगा सकते हैं। जो स्टिकर यहाँ पे एक स्टिकर रखा हुआ है, देखिए ये स्टिकर हो गया। आप अपने नाम से चाहें तो ब्रांडिंग करके ले सकते हैं, ये स्टिकर हो गया, और इस पर बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये फेनाइल बनकर रेडी हो चुका है। अब बिल्कुल मार्केट में इसको बनाने में बहुत कम लागत लगता है। और मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि 1 लीटर फेनाइल का कंसंट्रेट में आपको 20 लीटर पानी डाला जाता है, यानी कि 1 लीटर कंसंट्रेट से आप 20 लीटर फेनाइल बना सकते हैं। और ये फेनाइल बना करके आपको मात्र 10 रुपया लीटर पड़ेगा, 10 रुपया, और इस पर आप 80 से 90% मार्जिन लेकर बेच सकते हैं मार्केट में। तो ये रही आपकी जानकारी, और आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा वही बताऊँगा कि जो फेनाइल कंसंट्रेट होते हैं वो कैसे बनाया जाता है। तो ये पूरे जानकारी, केमिकल की जानकारी जानने के लिए ये मेरे जो चैनल है, जिसका मैं चैनल का मैं नाम बता दूँ, उसका नाम है अमित भारद्वाज ब्लॉग। आप ज़रूर इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जो लेकर आऊँगा आप तक सबसे पहले पहुँचे।
तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।